आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। दोस्तों, हमारे सामने प्रश्न दिया है कि निम्न वृत्तों के केंद्रों के निर्देशांक तथा त्रिज्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे वृत्त दिया गया है एक्स वर्ग धन वाई वर्ग ऋण 8y बराबर 0। तो दोस्तों, चूंकि हम जानते हैं, चूंकि वृत्त एक्स वर्ग धन वाई वर्ग धन 2gx धन 2fy धन c बराबर 0 में केंद्र c ऋण g ऋण f तथा त्रिज्या r बराबर करणी में g वर्ग धन f वर्ग ऋण c होता है। तो यहाँ से हमने देखा, यहाँ पे यदि हमारे पास वृत्त का समीकरण कुछ इस प्रकार है, तो केंद्र हमारे पास ऋण जी ऋण एफ तथा त्रिज्या हमारे पास करणी में जी वर्ग धन एफ वर्ग ऋण सी होगा। तो यहाँ से दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ इसे हम दे देते हैं समीकरण पहला, इसे हम दे देते हैं समीकरण दूसरा। तो हम लिखेंगे समीकरण एक व दो की तुलना करने पर, हमारे पास क्या आ जाएगा, हम यहाँ पे तुलना करेंगे तो x का गुणांक यहाँ पे क्या है हमारे पास, इस समीकरण को हम चाहे तो इस प्रकार भी लिख सकते हैं, x वर्ग धन y वर्ग धन x का गुणांक नहीं है तो 0 गुणित x हो गया ऋण 8y बराबर 0। तो यहाँ से x का गुणांक तो 0 में दिखाई दे रहा है और यहाँ x का गुणांक 2g दिखाई दे रहा है, तो 2g बराबर 0 हमारे पास आया, तो g बराबर 0 आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर y का गुणांक ऋण 8 है और यहाँ y का गुणांक 2f है, तो 2f बराबर ऋण 8 हमारे पास आया। 2 से भाग देंगे, 2 चौक 8 हमारे पास आ जाएगा, तो f बराबर क्या आ जाएगा, ऋण 4 आ जाएगा। इसी प्रकार यदि हम बात करें, यहाँ हमारे पास अचर राशि नहीं है, अचर राशि भी हमारे पास 0 है, तो यहाँ से अचर राशि c बराबर तुलना करने पर 0 प्राप्त हो रहा है। तो अतः यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, अतः केंद्र c हमारे पास क्या आ रहा है, ऋण g की जगह 0, ऋण f की जगह ऋण 4, तो हमें क्या प्राप्त हुआ, 0, 4, यह हमारा केंद्र हो गया। तथा बात करें यदि हम त्रिज्या की, त्रिज्या r बराबर हम यहां से लिखेंगे करणी में g की जगह 0 है तो 0 का वर्ग धन f की जगह ऋण 4 है, ऋण 4 का वर्ग ऋण c की जगह 0 हमारे पास आया। इस प्रकार हम देख सकते हैं करणी में ऋण 4 का वर्ग करेंगे 16 आ जाएगा और 16 का वर्गमूल क्या आता है, धन ऋण 4 आएगा। और यहाँ से बात करें यदि हम त्रिज्या की, तो त्रिज्या एक लंबाई है तो इसलिए मान धनात्मक ही होगा, तो त्रिज्या हमारे पास 4 इकाई आ चुकी है। दोस्तों, यहाँ से वृत्त का केंद्र तथा त्रिज्या हमें ज्ञात हो गया। उम्मीद है आप लोग के सवाल समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।